नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जो वाक्य निर्माण में आपकी सहायता करे और बहुत सरलता से आप वाक्यों का निर्माण कर सकें। तो विषय है दोस्तों धातु रूपाणि। तो क्योंकि कोई भी व्यक्ति कार्य किए बिना रह नहीं सकता और उस कार्य को ही हम क्या कहते हैं, क्रिया। तो सबसे पहले विषय है क्रिया। क्रिया कहते किसे हैं? तो जिसके माध्यम से कार्य के होने या करने जिसके माध्यम से कार्य के होने अथवा करने का बोध हो उसे हम कहते हैं क्रिया। जैसे उदाहरण के लिए रामः पठति। तो यहां पर जो पठति क्या है, क्रिया है, क्योंकि इसके माध्यम से बोध हो रहा है, पढ़ रहा है। तो कर्ता पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, तो इससे हमें कार्य का बोध हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब जो क्रिया है दोस्तों, उस क्रिया का जो मूल रूप है धातु, ठीक है जी। क्रिया का जो मूल रूप है उसको कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, हम धातु, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर पठती, तो इसका मूल क्या है, पठ। तो जो मूल रूप होगा उसको हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। अब इसके बाद कहते हैं कि जिस प्रकार हमारा शरीर चलने के लिए हमारे शरीर में भी धातुओं की आवश्यकता पड़ती है और अपने शरीर में 7 धातुएं होती हैं, इसी प्रकार संस्कृत भाषा को भी ठीक प्रकार से सुचारू रूप से जीवंत रखने के लिए, चलाने के लिए इन धातुओं की भी आवश्यकता पड़ती है। और वे धातु हैं लगभग 2000। तो संस्कृत भाषा को जीवंत रखने के लिए लगभग 2000 धातुओं का संकलन किया गया है महर्षि पाणिनि के द्वारा, तो वो है 2000 धातु। अब दोस्तों इसके बाद जो धातुओं के जो रूप चलते हैं दोस्तों, वो 3 प्रकार से चलते हैं। उनको 3 भागों में बांटा गया है जो धातु हैं, वो है पहला परस्मै पद, आत्मनेपद, और तीसरा है उभय पद। परस्मै पद है जिनके अंत में, जिन धातु रूपों के अंत में ती, तह और अति इस प्रकार के रूप आए, तो उस धातु को या उन धातुओं को हम परस्मैपदी धातु कहते हैं। दूसरा आत्मनेपदी, जिन धातु रूपों के अंत में ते, एते और अन्ते इस प्रकार के रूप आए, तो उन धातुओं को हम आत्मनेपदी कहते हैं। और ये जो दोनों प्रकार के रूप जिस रूप में, जिस धातु रूप में चलते हैं, इन दोनों ती और ते,
दोनों प्रकार के रूप जिस धातु में चलते हैं उसको कहते हैं हम उभयपद धातु। तो ये तीन प्रकार के धातुओं को बांटा है तीन भागों में, तो प्रश्नपदी धातु होती है, आत्मनेपदी धातु होती है और उभयपदी धातु। तो अब आगे बच्चों अब आपने धातुओं के बारे में पता कर लिया, धातु कहते किसे हैं, जो क्रिया का मूल रूप है और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अब इन धातुओं को ठीक है काल संबंधी जो अब आता है विषय लकार, ये लकार क्या है, किसे कहते हैं और कितने हैं। तो अब लकार है दोस्तों किसे कहते हैं, काल काल अवस्थाओं का, जिनके माध्यम से काल और अवस्थाओं का बोध कराने के लिए, ठीक है काल और अवस्थाओं का बोध कराने के लिए जिनका प्रयोग होता है उनको हम क्या कहते हैं, लकार कहते हैं। अर्थात इसके माध्यम से हम कालों का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इनके धातु रूपों को देखकर हम बता सकते हैं किस काल का है, किस अवस्था का यहाँ पर बोध हो रहा है, किसके बारे में कहना चाहता है। तो लकारों का काम हमें काल के संबंध में और अवस्थाओं के संबंध में बोध कराने का कार्य है। अभी जो लकारों की संख्या कितनी है, लकारों की संख्या है 10। 10 लकार होते हैं संस्कृत में, वो हैं आपने वर्णमाला तो पढ़ा ही होगा। तो उदाहरण के लिए यहां पर लेते हैं अ ई ओ री ए और ओ। तो यहां पर ये छह शब्द हैं और इधर लेते हैं ट और इधर लेते हैं गा। माने लकारों से जब कितने प्रकार को जान कर प्राप्त करने के लिए ये सरल तरीका है। तो ल यहाँ पर ल ये है ल हलंत है, अब ल और आ ल पूरा होगा ट तो क्या होगा लट, और ई जुड़े तो लेट ओ लोट लेट ले और लो। अब यहां पर लंगा जोड़ेंगे तो लंग लें लुंग और लें। तो ये है 10 प्रकार के लकार होते हैं, लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग और ले। ये 10 लकार होते हैं और इनको अलग अलग कालों में प्रयोग करते हैं। परंतु हमारे जो प्रायः प्रयोग होने वाले भाषा में या प्रयोग में आने वाले, आज केवल हम उन लकारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला हम जानते हैं काल कितने होते हैं, तीन होते हैं, वर्तमान का भूतकाल भविष्यकाल और दो अवस्थाएं हैं, एक है आज्ञार्थक आज
आज्ञा देने की अवस्था और दूसरा है सुझाव, सुझाव देने की अवस्था। तो इन इन पांचों का प्रायशः प्रयोग होता है या हम प्रयोग करते हैं और परीक्षाओं में इन्हीं से संबंधित प्रायशः लकारों का धातुवादी पूछा जाता है। तो वर्तमान काल के लिए हम प्रयोग करते हैं, जैसे अभी हमने 10 लकारों को पढ़ा था, तो उनमें से पहला है लट। वर्तमान काल के लिए हमेशा लट लकार का प्रयोग होता है। दूसरा भूतकाल के लिए लंग लकार और भविष्य के लिए ले, और आज्ञा देने के लिए मतलब ऑर्डर देने के लिए हमेशा प्रयोग होता है लोट लकार और सुझाव, सलाह, सुझाव या सलाह के लिए, सलाह के लिए हम प्रयोग करते हैं विधिलिंग लकार। जो हमने यहाँ पर लिंग लकार प्रयोग किया था उसके दो भेद होते हैं, एक विधिलिंग और एक दूसरा आशीर्वाद होता है, तो उसमें से हमने एक रूप लिया है वो विधिलिंग, जो सलाह और सुझाव देने के लिए प्रयोग होता है, और आचार्य के लिए मैंने ऑर्डर देने के लिए लोक लकार का, भविष्य काल के लिए लट, भूत काल के लिए लंग और वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग करते हैं। तो अब उनमें भी आज हम केवल इस वीडियो में लट लकार का जो धातु रूप है उनको आसानी से बिना रटे हम किस प्रकार इनको जान सकते हैं, किस प्रकार इनको स्मरण कर सकते हैं, इस वीडियो में इसी विषय को लेकर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला बच्चों, इसमें हमेशा जो भी धातु होते हैं उसमें वचनों की संख्या में तीन होते हैं, क्योंकि हिंदी में दो, इंग्लिश में दो प्रकार के वचन होते हैं, परंतु संस्कृत में तीन प्रकार के वचन होते हैं, वो हैं एकवचनम, द्विवचनम बहुवचन, और इनको पुरुष तीन पुरुषों में प्रयोग करते हैं, वो है पहला प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो ये तीन पुरुष हैं और तीन वचन हैं। अभी उदाहरण के लिए लेते हैं धातु, सबसे पहला पट। तो धातु कौन सी है? पट, और इसका अर्थ होता है पढ़ना। तो जो प्रथम पुरुष जो हमेशा धातु के अंत में ती, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति, और इसी प्रकार मध्यम पुरुष में सी, थ, थ और अंतिम में आमी, आवह, आम। तो ये सरल तरीका है दोस्तों, यदि ये 9 शब्द यदि आपको याद हो गए तो सारे के सारे प्रायशः धातु रूप आप आसानी से स्मरण कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं। तो हमने जैसे यहाँ पर पट धातु का प्रयोग करे थे, पट, तो इसका दो बस केवल टी के साथ यहाँ पर आपने पट शब्द जोड़ना है, पट प्लस टी पठती, पठतः, वे अंति, तो इसमें जोड़ेंगे तो होता है पठन्ति, पठन्ति। फिर है पठसि, पठसि, पठथ, पठथ। फिर है आ है, तो इस आ को इसमें मिलाने से
पठामि, फिर आवा को भी धातु में मिलाएं तो पठावः, और इसको भी धातु में मिलाएंगे तो पठामः। तो ये हो गया सरल तरीका। अब इसी प्रकार यहाँ पर पठ के स्थान पे हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं गम। गम का अर्थ होता है जाना। अब देखिए गम शब्द प्रयोग करना है आपने, गम का क्या प्रयोग करना है, गम नहीं सॉरी गम का प्रयोग करना है आपने गच। गम का गच आदेश होता है गच। तो अब से बस यहाँ पर जैसे पठ प्रयोग किया था आपने, तो इस पठ के स्थान पे आपने क्या प्रयोग करना है गच। तो यहाँ पर होगा गच्छ। तो सेम बाकी ऐसे पठ के स्थान पे गच्छ शब्द प्रयोग करना है आपने, गच्छसि, गच्छामि, गच्छावः, गच्छतः, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छथ, गच्छामः। सेम वैसे ही फिर आगे हैं पठ के स्थान पे, यहाँ पर आप गम के स्थान पर आप लिखिए, यहाँ पर लिख लिख, तो यहाँ पर गच्छ के स्थान पे क्या होगा लिख, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथ, लिखथ, लिखाम, लिखावः, लिखामः। तो सेम बस केवल इस शब्द को हटाइए, बस ये लिख शब्द सभी के साथ लगाएंगे तो आपका धातु हो गया रट लगा। फिर इसी प्रकार लट के स्थान पर आप लिख के स्थान पर और एक प्रयोग करते हैं, वो है हंस। हंस का अर्थ होता है हंसना, हंसना। अब यहाँ पर हंस शब्द प्रयोग करो तो हंस, यहाँ पर लिख के स्थान पर क्या प्रयोग करना है हंस। बाकी जितने भी हैं हंसती, हसता, हसन्ति, हससि, हसामि, हसथ, हसन्ति, हसामः। तो केवल हस शब्द प्रयोग करना है। भू, भू धातु है और इसका अर्थ होता है होना, और इसका रूप चलता है भव। भू को भव हो जाता है, तो हस के स्थान पर आपने क्या प्रयोग करना है भव। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने जितने भी धातु रूप है प्रायश भवादि गण के, प्रायश भवादि गण के धातु रूप किसी प्रकार से चलेंगे, और इसका अच्छी प्रकार से आप अन्य धातुओं के साथ भी आप प्रयोग करके देख सकते हैं, जैसे खार, रख, पट, लिख, घम, सर। ठीक है, तो इस प्रकार के अन्य धातुओं का प्रयोग करके आप अवश्य देखें, और इस वीडियो को देखने के बाद आप कॉमेंट्स जरूर करें और लाइक करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।